और देखिए दिल्ली में एक बार फिर सरेआम बदमाशों ने हवाई फायरिंग को अंजाम दिया है। अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान को निशाना बनाया गया। बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की। हवाई फायर के बाद बदमाश फरार हो गए और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदमाश जाते वक्त एक पर्ची छोड़ गए। पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इनके धरपकड़ की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक और मामला जहां पर पर्ची छोड़कर फायरिंग करके व्यापारी को परेशान या धमकाना, ये मकसद। सोनपुर थाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर 3 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है और तस्वीरें क्या हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। गोयल प्रॉपर्टीज, ये आपको सामने नजर आएगी और इसमें फायरिंग की जो बात है वो सामने आई है। अज्ञात लोग यहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और जिसके बाद जो बदमाश है वो यहां से भाग जाते हैं। हालांकि जब ये घटना हुई तब ऑफिस के अंदर कोई मौजूद नहीं था और काले शीशे होने की वजह से बदमाश वारदात को अंजाम देने से चूक गए, वरना जो व्यक्ति यहां पर बैठा होता उसकी जान भी जा सकती थी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 से 10 राउंड फायरिंग जो है वो यहां पर की गई है और जिस तरह से तड़तड़ाहट हुई गोलियों की यहाँ पर, उसके बाद पूरा इलाका जो है वो काफी ज्यादा दहशत में आ गया। सामने आपको ये जो HP गैस एजेंसी है वो भी नजर आएगी और इस पूरे मामले के बाद अलीपुर थाने की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जो लेकर जांच जो है वो पुलिस ने आगे शुरू कर दी है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी का नाम नहीं सामने आया है। हालांकि जो जानकारी मिली है उसमें ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि जब हमलावर यहां पर फायरिंग करने आए थे उस दौरान फायरिंग करने के बाद उन्होंने एक पर्ची भी यहां पर छोड़ी है। देखने वाली बात होगी कि तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर NH-44 के बगल में जब यह फायरिंग की घटना हुई है तो पुलिस जब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी तब किस तरह की चीजें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।